नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। आपको बता दें कि हर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि एक समान हर किसी को रखा जाएगा, सबका साथ सबका विकास, ना जाने क्या क्या, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही क्यों होती है? क्यों वो दावे पूरे नहीं होते जो दलितों के उत्थान के लिए किए जाते हैं? क्यों वो आज भी ऊंच नीच भेदभाव और दबंगों के अत्याचार से पीड़ित है? सवाल इसलिए है क्योंकि आज भी प्रदेश में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन दलित आखिर कब तक सहे, आज बात इसी पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे करोड़ों पर भारी कुपोषण की, क्योंकि हर साल मर रहे हैं हजारों कुपोषण के शिकार। करोड़ों रुपए हर साल खर्च करती है सरकार, लेकिन सरकार के कुपोषण खत्म होने के दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। और कांग्रेस भी हर सरकार पर अब इस सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है, और मुद्दा बेहद गंभीर भी है। और इसलिए सबसे पहले बात इसी पर कि करोड़ों खर्च लेकिन कुपोषण जस का तस। कुपोषण प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सरकार करोड़ों रुपए हर महीने कुपोषण दूर करने के लिए खर्च कर रही है। इसके बावजूद आदिवासी अंचल में कुपोषण का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के एक दर्जन जिलों में हालात भयावह हो गए हैं। मासूमों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया में सहयोग देने वाला प्रदेश स्वस्थ राजस्थान के तौर पर देश में उभरने के बजाय कुपोषण की जंग में हारता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के आदिवासी जिले में कुपोषण से किसी मासूम की मौत पर सियासी रोटियां तो सेकी जाती हैं, लेकिन कुपोषण को रोकने के लिए ठोस प्रयास नहीं होते। अशिक्षा अंधविश्वास के कारण 12 जिले के सहरिया क्षेत्र शाहबाद किशनगंज में आलम यह है कि कुपोषित बच्चे को एमटीसी में भर्ती कराने के बजाय झोला छाप डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा है। ये बेहद शर्मनाक है। कमोबेश यही हालात 12 डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, करौली, धौलपुर सहित श्री गंगानगर, कोटा और बूंदी में बने हुए हैं। अगर महिला एवं बाल विकास विभाग और चिकित्सा विभाग, जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, और कुपोषण के रोकथाम के लिए किए जा रहे खर्चों की बात करें तो 100 करोड़ रुपया प्रति माह खर्च किए जा रहे हैं, यानी हर घंटे 12.5 लाख रुपए कुपोषण की रोकथाम के लिए खर्च किए जा रहे हैं। इधर झोला छाप डॉक्टर्स की वजह से उचित इलाज के अभाव में ये बच्चे दम तोड़ रहे हैं। कुपोषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आंगनबाड़ी केंद्र महज दिखावा ही साबित हो रहे हैं, बावजूद इसके विभाग के मंत्री सुधार का दावा कर रहे हैं। नहीं, हम जो बच्चे अति कुपोषित होते हैं या मदर बीमार होती है उनको एमटीसी सेंटर्स पर रेफर करते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 20 कैपेसिटी के एमसीटी सेंटर्स बने हुए हैं, और उनमें सभी में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिकमेंडेशन के आधार पर वहाँ भर्ती होती है। मैंने भी इस बात का पता लगाया, माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी एक कम्युनिटी सर्वे कराया था। उस कम्युनिटी सर्वे में जो रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स के आधार पर हमने उन डिस्ट्रिक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया है जहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम थी। प्रदेश में लाखों बच्चे कुपोषित हैं, लेकिन अति कुपोषित बच्चों की बात करें जो कि मौत के मुहाने पर खड़े हैं, तो प्रदेश में ऐसे लगभग 15,000 बच्चे हैं जिनका इलाज कुपोषण उपचार केंद्रों में होना चाहिए। खासकर आदिवासी जिलों की ये भयावह तस्वीर है। संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। एसएएफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुपोषण जितनी बड़ी समस्या है वैसा पूरे दक्षिण एशिया में कहीं और देखने को नहीं मिला है।
दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों में पाया गया कि देश के सबसे गरीब इलाकों में आज भी बच्चे भुखमरी कुपोषण के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के चिकित्सा मंत्री इस तस्वीर को झुठलाकर सब्ज बाग दिखाते नजर आ रहे हैं। कुपोषण से हारती जिंदगी की ये तस्वीर सरकारी दावों पर तो सवालिया निशान लगा रही है। वहीं आजादी के 7 दशक बाद भी अगर झोला छाप डॉक्टर्स के जाल में जिंदगियां दम तोड़ रही हैं, तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। मासूम जिन्हें प्रदेश का भविष्य होना था, वे अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनके लिए करोड़ों रुपया खर्च करके भी कुपोषण जस का तस है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। सरकार लाख दावे करे, लेकिन राजस्थान में अब भी निर्धन तबके के लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला बांसवाड़ा से भी सामने आया, जहां पर कुपोषण के करीब 15 केस सामने आ गए, जिनमें कई में तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। कुपोषण का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस को भी अब सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने कहा कि मरीजों के सामने आने पर साफ है कि अभी राज्य में कुपोषण पांव पसारे हुए हैं, और ऐसे में सरकार के कुपोषण दूर करने के लिए कई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने के दावे खोखले साबित हो गए हैं। राजस्थान में पानी सबसे कम है, यहाँ की मिट्टी कहीं पर तो उपजाऊ है, कहीं पर बहुत कम उपजाऊ है, मिट्टी भी काम की नहीं है, कहीं रेत के टीले हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा पौष्टिक की जो फसलें हैं वो कम होती हैं, और इस तरह के जिलों में सरकार की तरफ से पौष्टिक तत्व से मिले हुए अनाज, आटा, तेल, फोर्टिफाइड, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, ये तो भीड़ लेने में मशगूल है और डॉक्टरों की हड़ताल है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार मस्त है। इतने ज़्यादा कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आदमी है, टोटल जो जहाँ पर खून का हीमोग्लोबिन का स्तर 11 से लेके 14-15 तक होना चाहिए, महिलाओं का 14 करीब होना चाहिए, वहाँ पर 1.5 बच्चों का जो एडमिट है मरने के कगार पे, 4.3, 5.2, 2.4, इस तरह के परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन महिलाओं के और बच्चों के खून में है, तो उसको अपन क्या कहें। लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, सरकार को टाइम ही नहीं है, मस्त है, पता नहीं किस काम में लगी हुई है, 2.5 साल से कोई काम दिख नहीं रहा है, अब मंत्रियों को भेज रहे हैं फीडबैक लेंगे। तस्वीरें आपने देखी और ये भी देखा कि किस तरीके से अब सरकार को कांग्रेस आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका जवाब अब सरकार क्या देगी, ये सवाल ही खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर कुपोषित बच्चों के अगर आंकड़ों की बात करें तो वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अजीत शेखावत जो कि कांग्रेस से हैं और लगातार अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब हर कोई सवाल जानना चाहता है कि जब हर दिन 3 करोड़ के लगभग पैसा खर्च किया जाता है, हर महीने के अगर आंकड़े की बात करें तो 100 करोड़ रुपया सिर्फ इसी लिए खर्च किया जाता है कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको सारी व्यवस्थाएं जो है वो पहुंचाई जाए, उचित व्यवस्थाएं उनको दी जाए और चिकित्सक जो हैं वहां पर तैनात किए जाए, लेकिन धरातल पर वो नजर क्यों नहीं आता। तस्वीरें जरा आप देखिए, प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें हैं जहां पर कुपोषित बच्चे जो हैं वो यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। उनके परिवार जो है चिंतित हैं कि आखिर अब हम क्या करें, और इसी वजह से उनको झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, और झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाते हैं अशिक्षा और अंधविश्वास सबसे बड़ा कारण जो है वो ये देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि ये कुपोषण के
शिकार बच्चे जो हैं, वो लगातार दम तोड़ते जा रहे हैं। वजह है झोला छाप डॉक्टर्स के पास ये जा रहे हैं और सही व्यवस्थाएं वहां पर नहीं होती है और सही इलाज नहीं मिल पाता, जिस वजह से अब दम तोड़ते बच्चों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और उससे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है कुपोषित बच्चों का। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाल सिंह, आखिर क्या वजह क्या सामने आ रही है? हर महीने 100 करोड़ रुपया यहां पर खर्च किया जा रहा है, अगर दिन की बात करें तो लगभग 3 करोड़ या शायद उससे ज्यादा। क्यों नहीं यहां पर आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं थम रहा? देखिए पूनम, बिल्कुल विशेषकर बात करें हम जो प्रदेश के लगभग 12 जो आदिवासी जिले हैं, 12 हैं डूंगरपुर है, तमाम जो प्रतापगढ़ जिले हैं, जहाँ पर जो कुपोषण का जो कहर है वो आज से नहीं, लंबे समय से इन आदिवासी आंचल में अपने पैर पसारे हुए हैं। और कहीं भी कमोबेश पूनम, अगर हम मान लो शाहबाद की बात करें, किशनगंज की बात करें, सहरिया क्षेत्र की बात करें, अगर एक कुपोषण से मौत हो जाती है, दो कुपोषण से मौत हो जाती है, तो उसको इतना बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया जाता है और लंबे समय से सियासत का खेल चल रहा है। लेकिन हालात ये लगातार गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें पूनम, तो कम से कम 15,000 बच्चे आज प्रदेश में ऐसे हैं जो चौथा स्टेज जो होता है अति कुपोषित, जिनको हम बोलते हैं, चार स्टेज इसके पूनम होते हैं कुपोषण के, वो चौथा स्टेज होता है जिसे हम अति कुपोषित बच्चे कहते हैं। और वो इतना गंभीर होता है, अगर उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट सेंटर में भर्ती नहीं करा जाए, एमटीएस सेंटर में भर्ती नहीं करा जाए, तो उनकी संभावना मौत के आगोश में चले जाने की ज़्यादा हो जाती है। इसके बावजूद भी अशिक्षा और अंधविश्वास का आलम यह है कि एमटीएस सेंटर में भर्ती कराने के बजाय वो झोला छाप डॉक्टरों से उनका इलाज करा रहे हैं और वो मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। सरकार पर उनके आंकड़े तक नहीं पहुँच रहे हैं, रिकॉर्ड उनका दर्ज नहीं हो रहा है, चूँकि गाँव के लोग और डॉक्टर में दिखाते हैं और वहीं कहीं ना कहीं उन बच्चों की मौत हो रही है। यानी कि इतना बड़ा जो मासूमों पर खतरा मंडरा रहा है, बावजूद इसके कि 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें आपके और दोनों विभागों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों की फौज है आपकी, वो इस बात का प्रयास कर रही है। इसीलिए सवाल यहां पर खड़ा होता है, अगर पिछले साल की बात करें, उससे पिछले साल की बात करें, तो मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता जा रहा था। इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इस साल भी ये आंकड़ा जो है वो थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार को आड़े हाथ ले रही है। क्या लगता है, क्या सवाल जो यहां पर किए जा रहे हैं सरकार से कांग्रेस द्वारा, उसका जवाब यहां पर सरकार क्या देती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, सवाल कांग्रेस को भी देना होगा कि उसके शासन में कांग्रेस यही हालात थे, और भाजपा को जवाब देना होगा, क्योंकि अब सत्ता में भाजपा है तो उसकी जवाबदेही ज़्यादा बनती है। लेकिन मैं वही सवाल इस बार फिर दोहरा रहा हूँ पूनम, कि जिस तरह जो हालात बनते जा रहे हैं, अभी हम अजमेर के उदाहरण की बात करें, जो बच्चों की मौत हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं कारण कुपोषण का सामने आया। 12 में मौत हुई है, किशनगंज में मौत हुई है, शाहबाद में मौत हुई है, ये वो तमाम उदाहरण है कि लगातार कुपोषण से मौत हो रही है, इसके बावजूद भी इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों की जहाँ तक बात है, ये सियासत की बयानबाजी है, लेकिन जमीनी धरातल पर हमको देखना होगा कि आखिर इतना बड़ा लवाजमा, आपके 1.5 लाख कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, 40,000 आंगनबाड़ी केंद्र राजस्थान में काम कर रही हैं, एमटीएस सेंटर यहाँ काम कर रहे हैं, इसके बावजूद आप मासूमों को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा पा रहे हो उनको। लेकिन उस सेंटर में ले जाने की बजाय जो पीड़ित परिवार होता है वो अपने बच्चे को झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाता है। कहा जा रहा है कि अशिक्षा या अंधविश्वास, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वहां पर इलाज सही नहीं मिलेगा, झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहां पर उचित इलाज नहीं मिलता और इस वजह से भी बच्चे दम तोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो योजनाओं की बात करते हैं या उचित स्वास्थ्य देने की बात यहां पर कुपोषित बच्चों को सरकार करती है, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है, लेकिन सच्चाई यहां पर क्या है? देखिए पूनम, बिल्कुल कांग्रेस के बयानों की बात भी करें तो कहीं ना कहीं पूरी दम और ताकत उनमें दिखाई दे रही है, सच्चाई उनमें नजर आ रही है। अगर पूरे देश भर की हम नज़र डालें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जहां पर बच्चों के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से सबसे कमतर स्थिति है, सबसे खराब हालात हैं यहाँ पर। और पूरे साउथ एशिया की हम बात करें, पूरे साउथ एशिया की बात करें, तो भारत एक ऐसा देश उभर कर बनकर आ रहा है जहां पर कुपोषण के बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है।